हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने एक कुर्ती बनाई जिसको मैंने स्टोव बटन पट्टी से डेकोरेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए पेस्टिंग ली है जो कि 1 इंच चौड़ी है, और फैब्रिक लिया है इसको मैंने 2 इंच चौड़ा रखा है, और लेंथ में ये कुर्ती के साइज़ के बराबर है। तो आपकी जो भी कुर्ती की लेंथ हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी पेस्टिंग है उसको फैब्रिक के सेंटर में रखना है इस तरीके से, और दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ रखा है मैंने। और इस मार्जिन को हमें अंदर की तरफ यानी कि जो पेस्टिंग है उसके ऊपर फोल्ड करना है। तो पहले पेस्टिंग को अच्छे से इस फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर लेंगे पूरी लेंथ में, और उसके बाद जो हमारा साइड में फैब्रिक हमने छोड़ा है उसको दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारा पट्टी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, पट्टी मैंने रेडी कर ली है दोनों तरफ से फोल्ड करके। जो मार्जिन है हमारा इस तरीके से क्लीन फिनिशिंग देनी है आयरनिंग करके, ये देखिए। तो इसके बाद हम इसको फैब्रिक जो हमारा कुर्ती का मेन फैब्रिक है फ्रंट पैनल है उसको क्रीज देके उसका सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से आयरनिंग कर लेंगे ताकि सेंटर मार्क हो जाए। तो ये देखिए, मैंने सेंटर मार्क कर लिया आयरनिंग से, और अब इसके बाद हम अपनी पट्टी को अटैच करेंगे इसके ऊपर। तो उससे पहले हम जो कुर्ती है हमारी उसके ऊपर नेक की जो गहराई है वो मार्क कर देंगे। तो मैं नेक की गहराई है 5.5 इंच लेने वाली हूँ, तो 6 इंच पे इसको मार्क करूँगी। आपकी जो भी नेक की गहराई है उतने पे मार्क कर लें। और ये देखिए, मार्क करने के बाद इसके ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो मार्किंग है, मार्किंग से 1 या 1.5 इंच ऊपर हम अपनी पट्टी को लेंगे रखेंगे। तो जो मार्किंग है उसके ऊपर मैंने रख लिया है इसको, और जो पट्टी है उसका जो सेंटर है उसको कुर्ती के सेंटर के ऊपर रखना है, और इसको पिन कर लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। तो मैं अभी के लिए इसको पिन कर रही हूँ, और ये देखिए सेंटर के ऊपर बिल्कुल रखना है। और इस तरीके से इसको अच्छे से प्लेस करते हुए सेंटर मैच करते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो पट्टी की जो सेंटर है वो आप ज़रूर से मार्क कर लें। मैंने इसमें नहीं दिखाया क्योंकि मैंने वो वीडियो स्किप कर दिया है। तो आप जो पट्टी यूज़ कर रहे हैं उसका जो सेंटर है वो मार्क कर लें आयरनिंग के बाद, और इस तरीके से सेंटर मैच करते हुए दोनों किनारों को स्टिच करना है। तो पहले एक किनारे को स्टिच कर लेंगे, और पहले किनारे को स्टिच करने के टाइम सेंटर का ध्यान रखें, और सेंटर मैच करते हुए इसी तरीके से स्टिच कर लें किनारे को। तो एक किनारा स्टिच होने के बाद दूसरे किनारे पे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरे किनारे को स्टिच करने के टाइम हम फैब्रिक को ध्यान से इसको अच्छे से प्लेस करके स्टिच करेंगे ताकि अंदर पे कोई गैदरिंग ना हो। इससे हमारा कुर्ती का मेजरमेंट उधर सकता है, तो फैब्रिक को अच्छे से फैला कर स्टिच करें ताकि कोई भी प्लीट्स पट्टी के अंदर में ना बने। तो इसी तरीके से इसके ऊपर स्टिच डाल लेंगे। तो ये देखिए, पट्टी हमारी अटैच हो गई है, और अब हम नेक रेडी करेंगे इसकी। तो नेक के लिए मैंने पेस्टिंग रेडी कर ली है, और इसको फैब्रिक पे भी स्टिक कर लिया है, और इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है, गहराई में ये 6 इंच है। और अब हम इसको कुर्ती के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो इसका पहले सेंटर मार्क कर ले कुर्ती का, और जो पेस्टिंग हमने स्टिक किया है उसका भी सेंटर मार्क कर ले, और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए पेस्टिंग का जो किनारा है उसके बिल्कुल किनारे स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से किनारे पे बिल्कुल पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे हम स्टिच लगा लेंगे। पेस्टिंग के ऊपर स्टिच नहीं लगानी है, उसके किनारे पे लगानी है। तो ये
ये देखिए स्टिच कर लिया है मैंने किनारे पे, और अब हम मार्जिन 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। और उसके बाद इस पर स्मॉल कट्स दे देंगे ताकि हमें इस पेस्टिंग को उलटने में आसानी हो। और ये कट देने के बाद हम इसको उल्टी तरफ पलट देंगे इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच डालेंगे। तो टॉप स्टिच हमें डालने के टाइम हमारी जो पेस्टिंग साइड है उसके ऊपर टॉप स्टिच डालनी है, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से किनारे की टॉप स्टिच डाल लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए किनारे की स्टिच हमारी हो गई है। और अब इसको उल्टी तरफ पलट के इसका जो किनारा ओपन है इस किनारे के ऊपर हम हेमिंग स्टिच डाल देंगे, इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। और ये देखिए मैंने हेमिंग स्टिचेस डाल दी है, और साथ ही मैंने जो बटन पट्टी लगाई है उसके ऊपर बटन अटैच कर दिए हैं। आप अपने पसंद के बटन भी अटैच कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीव्स को भी इसी तरीके से डेकोरेट किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।